अगर आप किसी भी जनरल कंपटीशन का स्टडी करते हैं तो आपको ये बुक्स रखना चाहिए। 3 बुक्स आपके पास जरूर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ बिहार पुलिस के लिए बुक्स बताइए। बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी में पीटी तक का मैं बात कर रही हूँ। वेलकम टू माई चैनल प्रिया पपी सोबड्डा। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स करना, बहुत का कमेंट्स था कि मैम एक बार आप बुक्स के बारे में बता दीजिए, बुक्स के बारे में बता दीजिए। तो आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, जैसे देखो दरोगा, बिहार पुलिस, 10th लेवल का भी एसएससी एमटीएस आया, हवलदार वाला, 12th लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल पे, तो ये बुक्स आपके पास रहना चाहिए। उस बुक्स का मैं नाम बताऊंगी, आप लोग नोट करना। अगर आपके पास ये बुक्स नहीं है तो आप जाकर के मार्केट में खरीदोगे, आज के आज खरीदोगे। अगर आपको सक्सेस चाहिए तो मैं पागलों की तरह आप लोगों के लिए बुक पे वीडियो बनाए जा रही हूँ। और आप लोग का हर एक वीडियो में एक कमेंट्स रहता है कि मैम बुक्स कौन सा है, मैम बुक्स कौन सा है। तो मैं आप लोग को क्या बताऊँ, आप लोग इतने नॉटी है ना, बिल्कुल मेरे तरह। मैं ज़्यादा सीरियस नहीं रहती हूँ ना। एक बात बताएं, जो कि ठोकर मिलती है, इतना ठोकर मिलती है हर कदम पर, कोई कातिल कहाँ जाए कोई, लेकिन कोई बात नहीं, ठोकर उन्हीं ही लगती। एक प्रीति नाम की लड़की मुझे कमेंट्स की थी, ठोकर उन्हीं ही लगती है जिसे ताकत होती है सक्सेस की दरवाज़ा खटखटाने का। अब ठोकर उनको थोड़ी ना मिल जाएगी जिसे कोई सपना ही नहीं, जिनका कोई सपना ही नहीं कि मुझे पुलिस बनना है, मुझे दरोगा बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे एसएससी सीसीएल क्रैक करना है, सीपीयू बनना है। बताओ भाई, अगर मैं गलत कह रही तो कमेंट्स करना, ठीक है? लेकिन हाँ, ये हम स्पेशली बिहार पुलिस की बातें नहीं कर रहे हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 3 बुक्स होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो देखो, इस दुनिया में स्टूडेंट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं दिखावे के, एक होते हैं मेहनती। तो आपको किस टाइप के स्टूडेंट बनना है, दिखावे के या मेहनती, बताइए। देखो, दिखावे के स्टूडेंट कुछ दिन ही दिखाएंगे, मेहनती स्टूडेंट होंगे ना, वो कहीं भी मेहनत करने का क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। तो आपको किस टाइप का स्टूडेंट बनना है, मेहनती या दिखावे का, ठीक है? देखो, दिखावे का स्टूडेंट वो बनते हैं जिसके माँ बाप थोड़ा अच्छे पोस्ट पे हैं, अरे बाप रे, महीना महीना 10-10 हज़ार रुपया भेज रहा है, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार खर्च कर रहे हैं, दारू, गजा, भांग, सिगरेट, कॉपी। बहुत स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं, ऐसा मैंने सुना है, ठीक है? और जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं ना, वो घर से रुपया लेंगे ना तो शरमाएंगे, मैं इस मेहनत इतना रुपया ली हूँ। बात सही है कि नहीं है, आप लोग कमेंट्स करना। खैर चलो, 3 बुक्स के बारे में मैं बताऊँगी। एक तो हो गया, आपके पास प्रैक्टिस सेट रहना चाहिए जिस चीज़ का। मेन देखो, जनरल कंपटीशन का तैयारी सब करता है, उसमें भी मेन होता है। मैं भी जनरल कंपटीशन का स्टडी करती थी, लेकिन मेरा मेन क्या था, बिहार पुलिस, दरोगा। पहले जो मेरा मेन फोकस था वो दरोगा पे ही था, मैं स्टडी दरोगा का ही करती थी, क्लास दरोगा। लेकिन देखे मैंने, स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस, तो मैंने फॉर्म भर दिया, मेरा एग्जाम निकल गया। तो इसलिए आप किस चीज़ का तैयारी करते हो उसका प्रैक्टिस सेट रखो। आप प्रैक्टिस सेट, घटनाचक, SPD, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, ये अगर बुक आपके पास है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अब बुक को देख के नहीं रहना है, बुक को पढ़ना है, पलटना है, किस पेज में कौन सा सब्जेक्ट है, किस पेज में कौन सा क्वेश्चंस है। फिर बुक देख के रहोगे तो भाई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। जनरल कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हो तो ये 3 बुक्स आपके पास रहना चाहिए। तो प्रैक्टिस से एक घटना चक्र और सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान। लूसेंट तो सब बोलते हैं रहना चाहिए, वो सबके पास जनरली होती है, वो कॉमन है, लेकिन आपको ये बुक्स रहना बहुत ज़रूरी है। और पढ़ना कैसे है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करना, ठीक है? और आज के लिए इतना ही।